hello everyone you are watching video on hibernate this is the lecture number 8 on hibernate in this video we will discuss hql that stands for hibernate query language so let us get started now very first we will discuss few things about the hql as i told you hql stands for hibernate query language this Hibernate query language is provided by the Hibernate so that we can write queries in the Hibernate. But this HQL is very similar to. एसक्ल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जैसा कि हम जानते हैं कि, कि किसी भी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में यदि आपको क्वेरी लिखना है तो आप लोग एसक्ल यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज उसी तरीके से हाइबरनेट में क्वेरी लिखने के लिए हाइबरनेट हमें एचक्ल क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है और यह जो एचक्अल क्वेरी लैंग्वेज है यह एसक्ल क्वेरी लैंग्वेज से काफ़ी मिलती जुलती है बट इसके बारे में एक और फैक्ट वह यह कि जो एचक्ल है वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज है मतलब इसमें ऑब्जेक्ट मैकेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड uh, किया जाता है नेक्स्ट थिंग यहाँ पे एचक्ल लिखते समय आपको कुछ चीजें याद रखना है जैसा कि हम जानते हैं कि एचक्वेल लिखते समय वहाँ पे क्वेरीज में हम कॉलम के नेम फंक्शंस और टेबल नेम लिखते हैं उसी तरीके से जब हम एचक्ल यूज करते हैं सो इन दचक इंस्टेड ऑफ टेबल नेम बी नेम इज यूज्ड एंड इंस्टेड ऑफ कॉलम नेम्स बीन प्रॉपर्टी नेम्स आर यूज जैसा कि अभी स्टेटमेंट में बताया गया है कि एचक्ल में टेबल का नेम यूज नहीं किया जाता है टेबल नेम की जगह हम बीन क्लास का नेम यूज करते हैं उसी तरीके से जैसे हम एचक्ल में कॉलम नेम्स यूज करते हैं बट एचक्ल में कॉलम नेम्स ना यूज करके हमें बीन की प्रॉपर्टी के नेम्स को यूज करना है ओके जैसे एचक्ल में जब हम क्वेरी लिखेंगे तो एचकोअल की ही यहाँ पे भी कुछ क्लॉजेस को सपोर्ट अवेलेबल है जैसे एचकोल में भी फ्रॉम क्लॉज अवेलेबल है ऑर्डर बाय क्लॉज अवेलेबल है वेयर क्लॉज अवेलेबल है सिलेक्ट क्लॉज अवेलेबल है ग्रुप बाय क्लॉज अवेलेबल है हैविंग क्लॉज अवेलेबल है अपडेट क्लॉज अवेलेबल है और डिलीट क्लॉज अवेलेबल है इनमें से कुछ क्लॉजेज को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ क्लॉजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेटेस्ट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रॉम क्लॉज सबसे पहले हम फ्रॉम क्लॉज को यूज करेंगे ओके okay. सो so, जब हम फ्रॉम क्लॉज की बात करते हैं इसका सेंटेंस एचक्यूएल uh, में कुछ इस तरीके से रहेगा फ्रॉम लिखना है

तो so, एचक्ज को हाइबर प्रोग्राम में लिखने के लिए हमें हाइबर का एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को यूज करूंगा उसमें हाइबरनेट का कोड जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है यदि आप लोगों को हाइबर का कोड कैसे क्या लिखते हैं या एक्टली उसमें हाइबर के प्रोग्राम्स कैसे क्या बनाएंगे यूजिंग मैबेन प्रोजेक्ट तो आप uh, इसी आ, सीरीज के प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो अभी मैं डायरेक्टली आपको एचक्ल कैसे यूज़ करेंगे वो बता रहा हूँ तो यहाँ पे मेन टू एक मेन क्लास है जिसमें मेन मेथड डिफाइन है और इसमें हाइबरनेट का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं मैं डायरेक्टली आप लोगों को ये बताऊंगा कि यहाँ पे हाइबरनेट कोड में हम एचक्ल कैसे यूज करेंगे तो एचक्ल क्वेरी को यूज करने के लिए हाइबरनेट हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और वह है क्वेरी इंटरफेस ओके तो सबसे पहले हम क्वेरी इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट गेट करेंगे देखो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा ओ आर जे डॉट हाइबरनेट पे से आप इसको इम्पोर्ट कर लें देन क्वेरी टाइप का ऑब्जेक्ट गेट करने के लिए आपको हाइबर नेट पे एक मेथड कॉल करना पड़ेगा दैट इज क्रिएट ओके और क्रिएट क्वेरी में एज ए स्ट्रिंग आपको एचक्वेल की क्वेरी लिखना है ओके सो क्रिएट क्वेरी मेथड जो है हाइबरनेट सेशन की यह हमें क्वेरी इंटरफेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगी इस क्रिएट uh, क्वेरी में आपको यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में uh, की क्वेरी प्रोवाइड करना है अब मान के चलिए कि मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखना है जिससे हम सभी रोज जो टेबल के अंदर अवेलेबल है उनके रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सके तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि यही क्वेरी जिसमें हमें सभी रोज सिलेक्ट करने हैं सभी कॉलम के वैल्यूज के साथ में तो एक्ल में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम क्वेरी कैसे लिखते हैं स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल नेम ओके हम क्वेरी जिस तरीके से लिखेंगे SQL में स्टार फ्रॉम टेबल नेम अब वही क्वेरी यदि आपको SQL में लिखना है तो कैसे क्या लिखेंगे तो यदि आपको सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करने हैं तो एचक्ल में कभी भी सिलेक्ट क्लॉज नहीं लिखा जाता है डायरेक्टली फ्रॉम क्लॉज से स्टार्ट करोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम और फ्रॉम के बाद में आपको लिखना है बीन का नाम तो हमारे प्रोग्राम में बीन का नाम एम्प्लाई है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम एम्प्लाई सो क्वेरी बन गया अपना क्वेरी फ्रॉम फिर इसे मैं बता दूं कि यह जो क्वेरी है यह क्वेरी एक्वेल की सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वाली जो क्वेरी होती है उसके सिमिलर है अब सेकेंड थिंग यह जो क्वेरी इंटरफेस है हमें डायरेक्टली जितने भी रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर अवेलेबल रहेंगे उसके करस्पॉन्डिंग बीन के ऑब्जेक्ट बना के एक लिस्ट में रख के हमें प्रोवाइड कर देगा तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा एक लिस्ट मिल जाएगा बीन टाइप का तो उसको गेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक एम्प्लॉय टाइप के लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल बना दें उसके लिए मैंने लिखा लिस्ट एम्प्लॉइ एनलिस्टी क्ल क्यू डॉट लिस्ट मैथड सो क्वेरी इंटरफेस में एक लिस्ट मेथड है जो कि हमें क्या रिटर्न कर देगा इस क्वेरी के अगेंस्ट जो भी रिजल्ट है वह रिटर्न कर देगा और यहाँ पर हमें लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिल जाएगा अब इस लिस्ट ऑफ़ एम्प्लॉय को शो करवाने के लिए हम कोड लिख दें सो एल एस टी डॉट मैं यहाँ पे फॉरिश मेथड का यूज uh, कर लूँ और यहाँ पे लेमडा एक्सप्रेशन हम यूज कर लेते हैं सो दैट ऑल रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाए और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल में हम सभी रिकॉर्ड्स को वन बाय वन प्रिंट करवा देंगे ओके सो गुड थिंग इज़ व्हाट ये जो क्वेरी हमने लिखा हुआ है फ्रॉम एम्प्लाई उसके अगेंस्ट हमें एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी फिर आपको उसका जो भी यूज़ करना है उनको शो करवाना है या जो भी यूज़ करना है वो कर सकते हैं सो so, इस तरीके से यहाँ पे आप फ्रॉम एम्प्लाई क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा सकते हो प्रोग्राम को रन करके देखें हम रन एजा एप्लीकेशन एंड लुकियर यहाँ पेलेक्ट क्वेरी हाइबर नेट ने फायर किया जिसमें सभी रिकॉर्ड जो है वो ये पी टेबल से सिलेक्ट हो गए ओके एंड ऑल द रिकॉर्ड्स आर शोन ओवर हीयर है ना सभी जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड है वो अपने को अवेलेबल हो गए फाइन सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेरी यूजिंग नेक्स्ट क्लॉज़ क्लॉज़ विल ऑर्डर यदि जो रिकॉर्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए ओके okay? जैसे सैलरी uh, के असेंडिंग ऑर्डर में या सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में या नेम के असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली या फिर नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे किसी ऑर्डर में यदि हमें चाहिए तो उसके लिए हम ऑर्डर बाई क्लॉज यूज करेंगे इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा फ्रॉम फॉलोड बाई बीन नेम एंड देन ऑर्डर बाई भी एक्सप्रेशन आपको लिखना है एंड देन एक्सप्रेशन कैन बी फॉलोड बाई ए एस सी और डी एस सी ओके सो ए एस सी वैसे बाई डिफॉल्ट है असेंडिंग ऑर्डर और यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट uh, करवाना है देन यू हैव टू यूज है

तो मैकेनिज्म वही रहेगा हमें क्वेरी इंटरफेस यूज करना है और हाइबरनेट सेशन की क्रिएट क्वेरी मेथड को हम कॉल करेंगे जिसमें हमको एचक्यूएल को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा एंड देन ये हमें क्वेरी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट दे देगा और उसके बाद में यहाँ जो भी एचकूएल आप लिखोगे उसके अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड होगा उस टाइप की लिस्ट या उस टाइप का रिकॉर्ड अपने को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखें ऑर्डर बाई क्लॉस के लिए फ्रॉम एम्प्लाई एंड फॉलोड बाई ऑर्डर बाई लेटे बेसिक सैलरी ओके सो बेसिक सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में आप सारे रिकॉर्ड्स यहां पर शो हो जाएंगे सो सेव द प्रोग्राम एंड रन एंड जस्ट लुकेट द प्रोग्राम ओके अ सोहन है ना तो चलिए इसकी सैलरी सिक्स सिक्स जीरो सेवन है फिर सिक्स नाइन जीरो सेवन फिर एट फिर नाइन फिर टेन थाउजेंड समी थाउजेंड सो इस तरीके से यहाँ जो सैलरी है उसकी असेंडिंग uh, ऑर्डर में जो रिकॉर्ड है वो शो हो चुके हैं अपने को ओके okay? इवन आप चाहो तो जो क्वेरी जनरेट हुई है हाइबर के थ्रू वो भी देख लें सेलेक्ट क्वेरी जनरेट हुई है उसी के एंड में बराबर उसने ऑर्डर क्लॉज लगाया होगा जस्ट लुक हियर ऑर्डर बाई बेसिक सेलरी फाइन सो इस तरीके से ऑर्डर बाई क्लास को हम यूज कर सकते हैं ओके okay? क्वेरी को एक बार फिर से देख लें फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई बेसिक सेलरी यदि आपको इसी को मान के चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे डी एस सी लिख दीजिए बाई डिफॉल्ट असेंडिंग होता है ई एस सी लिखने की जरूरत नहीं है बट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो डी एस सी यहाँ पे लगा दीजिए और क्वेरी को एक बार रन करके फिर से देख लें ओके सो जस्ट लुक नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर है ना जो हाईएस्ट सैलरी वो पहले उसके बाद में उससे लोअर उससे लोअर इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड शो हो गए यहाँ पे ओके okay? और इधर भी बराबर डीसी सी लिखा हुआ आ गया है फाइन सो दिस इज वॉट अबाउट द ऑर्डर वाई क्लॉज इन योर फाइन एचक्ल में हम नेक्स्ट क्लॉज जो डिस्कस करेंगे वो है वेयर क्लॉज जैसा कि हम जानते हैं कि एसकोअल में भी वेयर क्लॉज लिखा जाता है और वेयर क्लॉज हम किस लिए लिखते हैं ताकि हम डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर सकें ओके तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रिकॉर्ड हमें चाहिए मान के चलिए एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा जिनकी सैलरी हो वही रिकॉर्ड हमें चाहिए यही मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लाईज है उन्हीं की रिकॉर्ड हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वेयर में वो कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ता है जिसको सेटिस्फाई करने वाले ही रिकॉर्ड सेलेक्ट होने चाहिए सो वेयर क्लास को हम यहाँ पे यूज करने के लिए कैसे क्या सेंटेंस लिखेंगे वो देखें तो यहाँ पे सेंटेंस को जिस तरीके से होगा फ्रॉम क्लास तो रह गई फ्रॉम आ फॉलोड बाई बी नेम एंड देन वेयर और वेयर के बाद में आप वेयर कंडीशन जो भी लगाना चाहते हो वो लगाओगे ओके बट यहाँ पे कंडीशन लगाने के दो तरीके हैं पहला है जैसे यहाँ पे दिया गया है from employee where uh, this is the bean property name department equal question mark ये जो question mark हमने लगा एक तरीके से एक uh, positional string है wild card भी बोलते हैं इसको तो यहाँ पे question mark को replace करने के लिए जो value है वो हम setter method के through provide करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे JDBC में prepared statement में यूज uh, करते हैं क्वेश्चन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए वैल्यू प्रोवाइड करते हैं सेटर मेथड से बिल्कुल वैसे का वैसे ही है बट यह क्वेरी यदि आप क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी लिखी जा सकती है वह कैसे वह ऐसे लिखोगे फ्रॉम एम्प्लाई वेयर डिपार्टमेंट इक्वल कॉलोन एंड फॉलोड बाई एनी स्ट्रिंग इसको नेम डिस्ट्रिंग बोलते हैं यानी आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्वेश्चन मार्क एक नेम डिस्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो बट वो स्ट्रिंग जो लिखोगे वह टोकन जो लिखोगे दैट शुड बी प्रिसीडेड बाई कॉलन ताकि उसको पता चल जाए कि कॉलन के बाद में जो आपने स्ट्रिंग या जो नाम लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए आगे आप सेटर मेथड के थ्रू उसकी वैल्यू प्रोवाइड करोगे फाइन चले तो इस तरीके से क्वेरीज लिखने के लिए अब हम प्रोग्राम बनाएं और प्रोग्रामेटिकली इसको समझें कि कैसे हम वेयर कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं एच में फाइन सो so, पहले से लिखे हुए प्रोग्राम में ही हम चेंज करके देखें जैसा कि हम जानते हैं कि एच यूज करना है तो क्वेरी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हमें गेट करना पड़ेगा वो हमें मिलेगा हाइबर नेट सेशन पे क्रिएट क्वेरी के थ्रू और क्रिएट क्वेरी मेथड में हम यहाँ पे क्या पास करेंगे क्वेरी और हमें इस क्वेरी में वेयर कंडीशन यूज करना है तो मैं ऑर्डर भी हटा सकता हूँ यदि आपको रखना है तो रख भी सकते हैं बट मैं हटा रहा हूँ सो मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्रॉम एम्प्लॉ वेयर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क ओके सो हमने क्वेरी इस तरीके से बनाया फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए आपको सेटर मेथड यूज करना पड़ेगा तो उसके लिए क्वेरी पे मेथड कॉल करेंगे सेटर मेथड क्यू डॉट सेट और सिंस ये जो बेसिक uh, सैलरी है वो फ्लोट टाइप की प्रॉपर्टी है बीन के अंदर ओके okay? तो हम सेट फ्लोट मेथड कॉल करेंगे सो सेट फ्लोट और इंडेक्सिंग में दूंगा जीरो यहाँ पे ध्यान रखना क्वेरी में जितने भी क्वेश्चन मार्क्स आप लिखोगे उनकी वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आप सेटर मेथड कॉल करोगे और वो उस क्वेश्चन मार्क को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए उस क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा और वो यहाँ पे एचक्यल में जीरो से स्टार्ट होता है ध्यान रखना आप लोगों ने जेडीबीसी इसके पहले पढ़ा होगा जेडीबीसी में हम जब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं और वहां पे सेटअर मेथड के थ्रू जब हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वहां जो क्वेश्चन मार्क की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो वन से होती है किंतु यहाँ पे जीरो से होगी ध्यान रखना सिंस यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मार्क है अपने क्वेरी में तो ऑब्बियसली ये जीरो इंडेक्स वाला क्वेश्चन मार्क हुआ तो यहाँ पे सेट फ्लो में मैंने लिखा जीरो तो जीरो नंबर का जो क्वेश्चन मार्क है कौन सी वैल्यू से रिप्लेस होगा वो आप यहाँ पे दे दीजिए सपोज मैं लिख रहा हूँ एट थाउजेंड पॉइंट जीरो जीरो एफ फ्लोट वैल्यू ओके सो इस तरीके से हम यहाँ पे वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं और वहां पे हमने यदि वाइल्ड कार्ड यूज किया हुआ है पोजिशनल स्ट्रिंग यूज किया हुआ है तो उसकी वैल्यू देने के लिए आप सेटर मेथड को कॉल करोगे फाइन, बाकी का कोड बिल्कुल एज इट इज रहेगा लिस्ट मेथड हम कॉल करेंगे क्वेरी पे, तो आपको की लिस्ट मिल जाएगी, जिसको आप शो करवा सकते हो सो लेटेस्ट रन द प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट क्वेरीज रिटर्न सिलेक्ट क्वेरीज रिटर्न आप देखते हैं इसमें बेर कंडीशन कैसे क्या लिखा होगा सो जस्ट लुक यहाँ पे बराबर फ्रॉम ई एम पी Where, basic salary greater than something. Okay, ये लिखा गया है और ये देखेंगे रिकॉर्ड में अपने को अब फोर रिकॉर्ड से अवेलेबल है वैसे सिक्स रिकॉर्ड है अपने तो रिकॉर्ड हमें मिले जहाँ पे जो सैलरी है वह एट थाउजेंड से ज्यादा है ओके सो दिस इज वट अबाउट वेयर क्लास अब जैसा मैंने बताया कि वेअर क्लास में यदि आप पोजिशनल स्ट्रिंग यूज नहीं करना चाहते सो इनस्टेड ऑफ दिस आप Uh, कोई स्ट्रिंग नेम डिस्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो बट वो लिखने के लिए कुछ इस तरीके से लिखोगे कॉलन एंड है वो एक्सपेक्ट करेगा कि सैलरी की वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे और वो प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वही सेटर मेथड कॉल करोगे बट सेटर मेथड जब कॉल करोगेड ऑफ गिविंग द इंडेक्स मीन्स पोजिशन अब आपको यहाँ जो नेम आपने यूज किया हुआ है सेल वो लिखना पड़ेगा ये ध्यान रखना यहाँ पे सेल जो है प्रिसीडेड बाई कॉलोन और ये मैंने डिसाइड किया था कोई भी नाम आप यहाँ लिख सकते हो इवन यदि आप चाहते हो तो बेसिक सेल भी लिख सकते हो बट कीप इट डिफरेंट सो देट थोड़ा सा आपको भी समझने में आसान हो जाए कि इस सेल की जो वैल्यू है यहाँ पे फिर हम सेटर मेथड के थ्रू प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो सेल में लिखा हमने 8000 ये 8000 इसकी जगह रख दिया जाएगा और क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इस तरीके से आप इनक्वायरी को यूज कर सकते हो प्रोग्राम को रन करें और देखें इसका आउटपुट सिमिलर क्वेरीज रिटर्न वेयर कंडीशन बराबर लिखा हुआ है फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बेसिक सैलरी ग्रेटर देन समथिंग यहाँ बराबर उसने पोजिशनली लगाया हुआ है एंड विल यूज बी गॉड हियर है ना जो रिकॉर्ड्स है वो हमें यहाँ पे मिल गए फाइन सो दिस इज हाउ टू यूज द नेम स्ट्रिंग अगर आप पोजिशनल यूज नहीं करना चाहते हो तो नेम स्ट्रिंग यूज कर सकते हो और वैसे मैं बता दूं कि हाइबरनेट कहता है कि आप इस नेम स्ट्रिंग पे जाओ इंस्टेड ऑफ पोजिशनल स्ट्रिंग ओके इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द इंडेक्स फाइन सो लेट अस मो हेड नाउ नेक्स्ट क्लॉज विल डिस्कस इज सिलेक्ट क्लॉज अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी क्वेरीज हमने एग्जीक्यूट किए उन क्वेरीज में हम सभी कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट कर रहे थे भले हमने वेर कंडीशन लगाया हो ऑर्डर बाई लगाया हो या फिर डायरेक्टली हमने सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट किए हो बट हम सभी कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं यदि कभी आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू ही सिलेक्ट uh, करना है सभी को सिलेक्ट नहीं करना है सभी कॉलम की वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करना है तो फिर क्या करोगे उस केस में आप सिलेक्ट क्लॉज को यूज करोगे थोड़ा समझने की कोशिश करना जहां एस्किल में सिलेक्ट स्टार लिखते हैं मतलब सिलेक्ट ऑल कॉलम्स लिखते हैं तो वो इसकी जरूरत नहीं है, है HQL में एचक्एल में यदि सभी कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट क्लॉज को छोड़ दो स्किप द क्लॉज बट यदि आपको फ्यू कॉलम्स की वैल्यू सिलेक्ट करना है या किसी फंक्शन की वैल्यू आपको सिलेक्ट uh, करवाना है तो उस केस में फिर आप सिलेक्ट क्लॉज का यूज करोगे फाइन सो सिलेक्ट क्लॉज को लिखने के लिए फिर कैसे लिखोगे सिलेक्ट एंड देन एनी प्रॉपर्टी नेम पहले बता चुके हैं कि एचक्ल में आप प्रॉपर्टी नेम यूज करोगे कॉलम नेम यूज नहीं करोगे या फिर कोई फंक्शन भी आप यहाँ यूज कर सकते हो देन फ्रॉम एंड फॉलोड बाई बी नेम उसके बाद में यदि आपको वेयर कंडीशन लगाना है ऑर्डर बाई क्लॉज लगाना है तो लगा सकते हो बट uh, ये हुआ सेंटेक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जैसे मान के चलिए कि हमें सिर्फ एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है देन वी विल राइट सेलेक्ट ई एम पी नेम दिस इज बीन प्रॉपर्टी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ओके तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नेम की वैल्यू सेलेक्ट होगी बाकी के कॉलम्स की वैल्यू सेलेक्ट नहीं होगी सो लेटेस्ट डिस्कस इट प्रोग्रामेटिकली नाउ तो मैं जो ऑलरेडी हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी में सिलेक्ट uh, क्लास को यूज करके बताऊंगा बट हम वेयर कंडीशन अब नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं ये वेयर कंडीशन वाला पार्ट यहाँ से हटा हटा दे रहा हूँ और उसके साथ में ही सेटर uh, मेथड भी हमें हटानी पड़ेगी सो भी हमने हटा दिया नाउ सेलेक्ट क्लॉज लिखने के लिए यहां लिखें सेलेक्ट एंड देन द बीन प्रॉपर्टी नेम सपोज हमें सभी नेम सेलेक्ट करने हैं ये बीन प्रॉपर्टी का नेम है स्टैंड ओके एम्प्लॉय बीन हमने क्रिएट किया हुआ है जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने क्रिएट किया था उसी को मैं यूज कर रहा हूं तो उसकी प्रॉपर्टी का नाम मैंने लिखा ई एम पी नेम सेलेक्ट ई एम पी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय अब थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ध्यान रखना यदि आप सिलेक्ट क्लॉज नहीं लिखते हो तो जो ये लिस्ट मेथड है वो रिटर्न में आपको क्या देगा बीन बीन टाइप टाइप की की एक लिस्ट लिस्ट के एलिमेंट कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं जब हम सिलेट क्लॉज नहीं लिखते हैं यानी फ्रॉम क्लॉज ही लिखते हैं फ्रॉम के बाद भले आप फ्रॉम के बाद वेयर लिख दो वेयर क्लॉज भी लिखो ऑर्डर बाई भी लिखो या कुछ और लिखो बट पॉइंट इज वॉट कि जब आप सिलेक्ट क्लॉज में यूज नहीं करते हो फ्रॉम क्लॉज से स्टार्ट करते हो तो उस केस में फिर क्या होता है कि यह जो लिस्ट मेथड है क्वेरी की यह आपको बीन टाइप के एलिमेंट की लिस्ट रिटर्न करता है बट यदि आपने सिलेक्ट क्लॉज में कोई कॉलम नेम लिखे हुए हैं या फंक्शन लिखा हुआ है या फिर मल्टीपल कॉलम नेम लिखे हुए हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट के एलिमेंट के टाइप होगा वो बदल जाएगा वो बीन टाइप की लिस्ट आपको नहीं मिलेगी ध्यान रखना तो सबसे पहले तो हम देखें कि यदि मान के चलिए कि हमने सिलेक्ट क्लॉज में सिर्फ एक बीन प्रॉपर्टी लिखी है मतलब हम सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यदि आपने एक बीन प्रॉपर्टी लिखा हुआ है मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू है यहाँ पे तो जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी वह उस टाइप की होगी मतलब बीन प्रॉपर्टी टाइप की होगी तो ई नेम बीन जो है चाहो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी सकता हूं सीट uh, <coughs> ये देखो यह जो ई एम पी नेम है यह स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी है तो यह जो स्ट्रिंग टाइप का प्रॉपर्टी है तो यहां पे जो लिस्ट आपको प्रोवाइड होगी वह स्ट्रिंग टाइप की होगी सो लिस्ट इज आप स्ट्रिंग टाइप अदर थिंग्स विल रिमेन एज इट इज मिलेगी आपको लिस्ट बट वो स्ट्रिंग टाइप की मिलेगी ओके okay? क्योंकि ई एम पी नेम का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है चले तो इसको एक बार रन करके देख लें जस्ट लुकियर सेलेक्ट क्लॉज में अब सिर्फ ई एम पी नेम सिलेक्ट हुआ है एंड बाकी क्वेरी बिल्कुल एज इट इज है फ्रॉम एम्प्लाई बराबर लिखा हुआ है एंड ओनली नेम्स आर सेलेक्टेड तो इस तरीके से पर यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है केस यदि आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिखना है यानी मल्टीपल कॉलम की वैल्यू सिलेक्ट करना है तो उस केस में क्या होगा जैसे मान के चलिए कि हमें ई एम पी नेम भी चाहिए और साथ में बेसिक सैलरी भी चाहिए तो क्वेरी तो वैसे ही रहेगा प्रॉपर्टीज़ के नाम हम लिख देंगे सेलेक्ट ईएमपी नेम बीन प्रॉपर्टी नेम लिखा हमने पे कॉमा बीन प्रॉपर्टी नेम इज बेसिक सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय और भी यदि आपको इंक्लूड करना है तो कॉमा सेपरेटेड यहां पे इंक्लूड कर सकते हो ओके नाउ द पॉइंट इज वॉट यहां पे अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लिस्ट मेथड आपको लिस्ट रिटर्न करेगी उसके एलिमेंट का टाइप क्या होगा क्योंकि यहाँ पे ई एम पी नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का और जो बेसिक सैलरी है उसका टाइप है फ्लोट तो यहाँ पे लिस्ट में एलिमेंट का टाइप क्या होगा तो ध्यान रखना जब आप यहाँ पे मोर देन वन प्रॉपर्टीज लिखोगे तो उस केस में जो लिस्ट के एलिमेंट का टाइप होगा दैट इज अरे ऑब्जेक्ट टाइप है ना ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग गेटिंग थिंग्स आई एम सेइंग कि यदि क्लॉज में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपने लिखे मतलब एक से ज्यादा कॉलम की वैल्यूज या एक से ज्यादा वैल्यूज आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उस केस में लिस्ट मेथड मेथडियसली आपको लिस्ट रिटर्न करेगा बट उस लिस्ट में एलिमेंट के टाइप हो जाएंगे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप है ना ये ध्यान रखना आप उसको शो करवाने के लिए कोड कुछ उस तरीके से लिखोगे आप तो यहाँ पे ई जो होगा आपका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो जो पहले प्रॉपर्टी लिखा है उसकी वैल्यू जीरो इंडेक्स पे आएगी और जो सेकेंड लिखा है उसके वन इंडेक्स पे तो शो करवाने के लिए हम कुछ इस तरीके से कोड लिख दें ई एम पी वन इस तरीके से जितनी भी यहां पे आप बीन प्रॉपर्टीज लिखोगे उतने इंडेक्स यहां पे यूज करके आपको वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा सो लेटेस्ट रन द प्रोग्राम सो दैट वी कैन चेक द आउटपुट ओके जस्ट लुक हियर सिलेक्ट मी फिर दो कॉलम से वैल्यू सेलेक्ट हो रही है और बराबर हमें दो कॉलम की वैल्यू मिल रही है नेम और सैलरी है ना शिवा एंड सैलरी लाइक दिस फाइन सो ये उस केस में जब आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वैल्यू चाहिए Fine. So, इसके बाद में हम एक और scenario यहाँ पे पे कर लेते हैं. Suppose हमें यहाँ पे बीन के अलावा जैसे कोई function भी भी करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उसमें भी हम क्वेरी uh, में फंक्शन कॉल कर सकते हैं जैसे यदि आपको किसी कॉलम न्यूमेरिक कॉलम की वैल्यूज का सम चाहिए तो सम फंक्शन कॉल करते हो किसी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्स फंक्शन कॉल करते हो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मेन फंक्शन कॉल करते हो और एवरेज वैल्यू चाहिए तो एवरेज काउंट करना है तो काउंट फंक्शन कॉल कर सकते हो ठीक उसी तरीके से एचक्एल में भी आप इन फंक्शन को कॉल कर सकते हो सो लेटेस्ट सपोज हमें बेसिक सैलरी का सम चाहिए तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो तो लिखने का तरीका बिल्कुल एचक्एल के जैसे ही रहेगा में लिखोगे सम फंक्शन उसको सम फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट आप पास कर दोगे बीन प्रॉपर्टी नेम तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट सम अपवर्ड बेसिक सैलरी एज ए आर्ग्यूमेंट एंड फ्रॉम एम्प्लाई अब फिर से वही बात है कि यहाँ पे सिलेक्ट क्लॉज में सिर्फ एक वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं ध्यान रखना ओके सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि एक रो वाला आउटपुट आएगा सिंगल से मेरा मतलब सम फंक्शन एक ही बार लिखा मतलब उसके साथ में कोई एक दूसरी प्रॉपर्टी या कोई दूसरा फंक्शन नहीं लिखा जैसे इसी के बाद में मैं मैक्स बेसिक सैलरी भी लिख दूँ या फिर कोई कॉलम का नाम लिखूं तो वो डबल हो जाएंगे मैं कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ ना सिंगल कॉलम सिलेक्ट होगा ऐसा कुछ ओके okay. तो उस केस में फिर क्या होगा यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो उस टाइप का होगा रिटर्न टाइप में हम फिर स्पेसिफाई करेंगे जो भी हमें यहाँ पे so, वैसे तो बेसिक सैलरी का जो टाइप है वो फ्लोट है बट एचक्ल uh, आपको यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा सम ऑफ बेसिक सैलरी सो डबल यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया अब जो लिस्ट है वो डबल टाइप की वैल्यू की लिस्ट है तो यहाँ पे हमें उसको शो करवाने के लिए फिर इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते सो so, मैं प्रोग्राम सिर्फ चेंज कर रहा हूँ सो so, एक डबल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी अगेंस्ट दिसक्वायरी सो लेटेस्ट रन इट अनलिखियर सिलेक्ट सम बेसिक सैलरी एंड फॉर्म एम्प्लॉ और इन सब का सम अपने पास में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा ओके दैट इज दिस समथिंग है नन लेख थर्टी फोर थाउजेंड समथिंग यहाँ पे वैल्यू हमें मिल गई सो दिस इज हाउ टू यूज द सिलेक्ट क्लॉज सिलेक्ट क्लॉज में यदि आपको कोई फंक्शन यूज करना है या कोई बीन प्रॉपर्टी नेम यूज करना है एक बीन प्रॉपर्टी नेम यूज करना है या मल्टीपल बीन प्रॉपर्टी नेम करना है तो कैसे क्या यूज करेंगे वो हमने यहाँ पे देख लिया ओके सुनाओ नेटेस्ट लेटे डिस्कस द नेक्स्ट क्वेरी नेक्स्ट क्लॉज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बाई क्लॉज जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप बाई क्लास का क्या यूज़ होता है यदि आपको ग्रुप uh, पे कोई ऑपरेशन uh, अप्लाई करके रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं तो हम ग्रुप बाई क्लास यूज करते हैं फॉर एग्जांपल लेटेस्ट सपोज जैसे अभी हमने uh, पहले क्वेरी लिखा था उसमें हमने जितनी भी सैलरीज की एंट्री है सैलरी कॉलम में उनका टोटल गेट किया था उनका सम गेट किया था यूजिंग द सम फंक्शन बट यदि हमें ऐसा नहीं करना है इंस्टेड हमें जो सम है वो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा उसके एम्प्लॉयज की सैलरी का सम फिर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी का सम फिर तीसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉज की सैलरी का सम तो हमें पर्टिकुलर कॉलम के सभी वैल्यूज का सम सामना करके एक ग्रुप में सम चाहिए ओके okay, वो रिकॉर्ड जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं उनकी सैलरी का सम फिर दूसरे डिपार्टमेंट को बिलोंग करने वाले रिकॉर्ड uh, की सैलरी का सम तो पहले ग्रुप करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है सम uh, गेट करना है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे ग्रुप बाय क्लॉस यूज करेंगे मतलब पहले ग्रुप बनाओ एंड देन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो तो उसके लिए जो क्वेरी का सेंटेक्स होगा ऑब्वियसली एसक्वेल में जैसा सेंटेक्स लिखते हैं वैसे ही एचकोएल में भी लिखेंगे तो सेंटेक्स इस तरीके से हो जाएगा सेलेक्ट यहाँ पे ग्रुप प्रॉपर्टी जैसे डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप करना है आपको तो डिपार्टमेंट या जो भी तो ग्रुप प्रॉपर्टी एंड देन ग्रुप फंक्शन जो भी ग्रुप फंक्शन आपको यूज करना है सम यूज करना है मीन यूज करना है मैक्स यूज करना है काउंट यूज करना है जो भी ग्रुप फंक्शन आपको यूज करना है वो आप यहाँ पे यूज करोगे सिक्वेंस uh, ऐसे जरूरी नहीं है पहले ग्रुप फंक्शन लिखो फिर ग्रुप प्रॉपर्टी लिखो दैट इज अप टू यू ग्रुप प्रॉपर्टी भी ज्यादा हो सकती है एक से ज्यादा और ग्रुप फंक्शन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं बट क्वेरी सिंटेटिकली सही होना चाहिए एंड देन फ्रॉम क्लॉस फ्रॉम क्लॉस के बाद में आप ऑब्वियसली बीन क्लास का नाम लिखोगे और बीन क्लास का नाम लिखने के बाद में ग्रुप बाई एंड देन फॉलोड बाई ग्रुप प्रॉपर्टी यहाँ इस क्वेरी को लिखते समय एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ जो ग्रुप प्रॉपर्टी आप लिखोगे वही ग्रुप प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होना चाहिए ओके कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यहाँ पे आप नहीं लिख सकते सेम एज एक्वल एस्क्वेल में भी इसी तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा हुआ है सेलेक्ट डिपार्टमेंट जो कि ग्रुप प्रॉपर्टी अपनी बेसिक सैलरी तो बेसिक सैलरी हमने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉ एंड देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ओके डिपार्टमेंट वाइज बेसिक सैलरी का सम और डिपार्टमेंट भी हम सिलेक्ट करना चाहते हैं सो लेट अस डिस्कस दिस ग्रुप बाय क्लॉज प्रोग्रामेटिकली नाउ तो जो प्रोग्राम हमने पहले लिखा था उसी में कुछ चेंजेस करके हम ग्रुप बाई क्लॉज यूज करके देखें तो यहाँ पे जैसे देखें हमने क्रिएट क्वेरी मेथड में जो क्वेरी लिखा हुआ है सिलेक्ट सम ऑफ बेसिक सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉ तो इसी को मैं डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख दूँ ग्रुप प्रॉपर्टी सो डी पी टी ये बीन प्रॉपर्टी है कॉमर्स सम ऑफ बेसिक सैलरी और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रुप फंक्शन के साथ में हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है तो इसको यहाँ पे आपको ग्रुप बाई क्लास में लिखना कंपलसरी है सो ग्रुप बाई में मैंने लिख दिया ग्रुप बाई डी पी टी ओके सो ये क्वेरी कुछ इस तरीके से हो गया सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमर्सिक सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉज ग्रुप बाई डिपार्टमेंट सो पहले यह डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड का ग्रुपिंग होगा और वो डिपार्टमेंट वाइज फिर बेसिक सैलरी का सम यहाँ पे आ जाएगा बाकी चीजें ऑलमोस्ट एज इट इज रहेगी सो लेटेस्ट रन देशन सो दैट वी कैन टेस्ट इट ओके सॉरी वन थिंग वी फॉर गॉट हीयर वॉट इज दैट सिंस सिलेक्ट क्लास में हमने दो चीज़ें यूज कर ली है एक डिपार्टमेंट और एक सम ऑफ सेलरी तो जो लिस्ट uh, में एलिमेंट टाइप हो जाएंगे वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे सो शुड बी टेकन केयर दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी एक जीरो इंडेक्स पे डिपार्टमेंट का नेम और फिर इंडेक्स नंबर वन पे ई एम पी और वन इंडेक्स नंबर वन पे सम मिलेगा ओके okay? ध्यान रखना है डिपार्टमेंट एंड देन सम सो अरे ऑब्जेक्ट जीरो इंडेक्स पे डिपार्टमेंट और वन इंडेक्स पे डिपार्टमेंट बाय सैलरी का सम ओके ग्रुप बाय क्लास आईटी डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी का सम सीएस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी का सम और अकाउंट डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी का सम ना क्वेरी में भी देखें सिलेक्ट क्लॉज में बराबर अपने को सम ऑफ बेसिक सैलरी एंड देन बराबर यहां पे ग्रुप बाय क्लॉज यूज हुआ है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ओके फाइन सो दिस इज हाउ टू यूज द ग्रुप बाय क्लॉज नाउ वी विल मूव अहेड सो नेक्स्ट क्लॉज हम डिस्कस करेंगे हैविंग क्लॉज यदि हमें सभी रिकॉर्ड को रिस्ट्रिक्ट करना है तो हम वेयर और उसके साथ कंडीशन यूज करते हैं वेयर क्लॉज बट यदि हमें जो कंडीशन है वो अप्लाई करना है किसी ग्रुप फंक्शन पे मान के चलिए कि मुझे क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखना है कि मुझे वो सभी रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जिसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो मैक्सिम uh, सैलरी है वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है तो कंडीशन किस पे लगाना है मैक्स सैलरी के ऊपर लगाना है मतलब ग्रुप फंक्शन पे लगाना है या फिर मुझे वो सभी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने हैं जहां पे सम ऑफ द सैलरी जो है सैलरी का सम सम ऑफ द सैलरी जो है वह एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो कंडीशन किस पे लगानी है अपने को ग्रुप फंक्शन पे तो जब ग्रुप फंक्शन पे आपको कंडीशन लगानी हो तो वेयर कंडीशन में नहीं लगाया जाता है वेयर क्लॉज में नहीं लिखा जाता है अभी तो उसको लिखा जाता है हैविंग क्लॉज में तो यदि आपको हैविंग क्लॉज यूज करना है यानी आपको ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे वो हम देखें तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से रहेगा सिलेक्ट उसमें आप ग्रुप प्रॉपर्टी और ग्रुप फंक्शन लिख सकते हो देन फ्रॉम बी नेम एंड देन ग्रुप बाय जो भी ग्रुप प्रॉपर्टी है वो लिखोगे यहाँ पे एंड देन हैविंग और फिर हैविंग कंडीशन यहाँ पे लगाओगे या क्यों कह सकते हो कि ग्रुप कंडीशन आप यहाँ पे लगाओगे वेयर क्लॉज यूज नहीं करना है ओके वेयर क्लॉज जो लगता है वो

टोटल सैलरी जो है वो इस अमाउंट से ज्यादा होगी तो ही वो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा उसकी टोटल सैलरी सेलेक्ट होगी अदरवाइज नहीं होगी सो लेटेस्ट डिस्कस दिस प्रोग्राम प्रैक्टिकली नाउ बाय मेकिंग वन प्रोग्राम सो हैविंग क्लॉज को यूज करने के लिए भी हम इसी प्रोग्राम को यूज कर लेते हैं जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ उसमें ऑलरेडी हमने ग्रुप बाई क्लॉज यूज किया हुआ है सिर्फ हमें हैविंग कंडीशन यहाँ पे लगाना है तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमर्स सम अ बेसिक सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉ ग्रुप बाई डिपार्टमेंट फॉलोड बाई है सैलरी ग्रेटर देन सर्टेन अमाउंट ओके ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी लिख सकते हो आप यहाँ पे ग्रेटर देन सर्टेन अमाउंट में लिख दूँ आप यहाँ क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हो या फिर आपका नेम लिस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो दैट इज़ अप टू यू सो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल देन सेटर मेथड को यूज करके इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दें सो क्यू डॉट सेट एंड फ्लोट एक फ्लोट वैल्यू हम यहाँ पे दे दें और वो हम देंगे सेल की जगह और यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया एक अमाउंट एक अमाउंट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे जैसे यहां पे सेलरी आ रही है समथिंग वन टेन एटीन और थर्टीन सो लेटेस्ट सपोज हम इलेवन वहां पे लिख देंगे इलेवन पॉइंट जीरो जीरो एप एक बार अमाउंट एक बार फिर से चेक कर लें ओके okay. वन लैख वन थाउजेंड सो दिस इज वन लैख एंड टेन थाउजेंड ठीक है सो दिस इज हाउ टू यूज द हैविंग क्लॉज एक बार क्वेरी फिर से देख लें सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉम आम असिक सैलरी फ्रॉम एम्प्लाई ग्रुप बाई डिपार्टमेंट एंड हैविंग समेसिक सैलरी ग्रेटर देन दिस सेल और उसकी वैल्यू हमने यहां पर प्रोवाइड की है यूजिंग द सेटर मेथड उट यूज द्लास बाकी चीज एज इट इज रहेगी सो लेटेस्ट रन द प्रोग्राम सो दू कैन चेक इट प्रोग्राम को हमने रन किया आई थिंक अमाउंट इज ग्रेटर सो अमाउंट थोड़ा कम कर देते हैं ट इस सपोज मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड समिंग ओके सो जस्ट लिखिए ओके सेलेक्ट क्वेरी इज रिटर्न और वहाँ पर है जहाँ पे समाग बेसिक सैलरी जो है एक सर्टेन uh, अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए तो जो अमाउंट हमने स्पेसीफाई किया है उस अमाउंट से uh, ज्यादा टोटल सैलरी आईटी डिपार्टमेंट में है और सीएस डिपार्टमेंट तो वहां पे शो हो गया सो दिस इज हाउ टू यूज द कैसे यूज करेंगे वो हमने इस uh, वीडियो में देखा वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जैसे वेयर कंडीशन में मैंने शायद आप लोगों को सिर्फ एक कंडीशन लिखना बताया है uh, वेयर शायद सैलरी ग्रेटर देन समथिंग तो उसमें जो भी ऑपरेटर आपको यूज करना वो एज इट इज यूज कर सकते हो ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन आर ग्रे� इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू बिटवीन कैन बी यूज और कोई पैटर्न मैचिंग यूज करना है तो पैटर्न मैचिंग कैन बी यूजर कंडीशन में जो भी आप एक्सक्ल में लिखते हो उसी तरीके से आप एचक् में भी लिख सकते हो फाइन सो वट एवर यू राइट इन द एस्वेल सेम थिंग कैन बी रिटर्न इन द एचक्ल ध्यान सिर्फ आपको इतना रखना है कि कॉलम नेम की जगह बीन प्रॉपर्टी नेम और टेबल नेम की जगह बीन का नेम आपको यूज करना है फाइन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो